हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और जो 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ हिंदी विषय के 20 सबसे महत्वपूर्ण MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, 100% की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, 20 प्रश्नों के अतिरिक्त मैं आपको अन्य भी महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊँगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का और इन प्रश्नों का उत्तर आपको भरना होगा OMR शीट में। तो यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं OMR शीट में, तो आपको पूरे पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो या ना अच्छी हो। तो आप बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर विशेष ध्यान दें प्रत्येक विषय में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे आप लोग, इन प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, चलिए इन प्रश्नों को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। प्रश्न है, त्यागपत्र के लेखक हैं, पहला है विकल्प, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जय शंकर प्रसाद। दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा। तीसरा विकल्प मुंशी प्रेमचंद। चौथा है जैनेन्द्र कुमार। तो त्यागपत्र के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है त्यागपत्र, आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, त्यागपत्र हिंदी की किस विधा पर आधारित रचना है? तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यह है उपन्यास विधा पर आधारित रचना। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई रचना है, यह हिंदी की उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको एक प्रश्न से कई प्रश्न महत्वपूर्ण बता दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अपनी धुआंधार तैयारी करने के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 की आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? पहला है विकल्प, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा विकल्प है राधा चरण गोस्वामी। तीसरा विकल्प है राधा कृष्णदास। और चौथा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल जी। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार दिए गए विकल्पों में से कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों चिंतामणि। और चिंतामणि यदि प्रश्न में आता है चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है जो कि है रसमीमांसा। रसमीमांसा जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, यह किस विधा पर आधारित है? आलोचना विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन दोनों महत्वपूर्ण रचनाओं को आप लिख लेना, इनकी विधाओं को भी आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है जिसका उत्तर आपको देना है। और प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन है? पहला है विकल्प जैनेन्द्र कुमार, दूसरा विकल्प है श्रीनिवास दास, तीसरा विकल्प है कृष्णा सोबती और चौथा है विकल्प बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि दिए गए विकल्पों में से नाटक विधा के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, कृति कंकाल के लेखक कौन है? पहला है विकल्प मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है मैथिली सरण गुप्त, तीसरा विकल्प है राम कुमार वर्मा, चौथा है विकल्प जय शंकर प्रसाद। कृति कंकाल के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, कृति कंकाल के लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। और
प्रश्न में यदि पूछ लिया जाता है कंकाल हिंदी की किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह रचना है उपन्यास विधा पर आधारित। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद आप प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प 1920 ईस्वी से, दूसरा विकल्प है 1850 ईस्वी से, तीसरा है विकल्प 1919 ईस्वी से, चौथा विकल्प है 1938 ईस्वी से। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, सन 1850 ईस्वी से हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास आरंभ हुआ था। किस युग में? भारतेंदु युग में। मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग के प्रणेता कौन थे, या भारतेंदु युग के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के नाम से ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 है, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी न किसी काल से संबंधित, चाहे आधुनिक काल हो या रीति काल हो या भक्ति काल हो, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी युग हो, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग, किसी न किसी काल की समयावधि से संबंधित, यानी उसकी समय सीमा यानी कालावधि, आप लोग ध्यान देंगे, कालावधि से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो यहां पर पूछा गया है आधुनिक काल की समय अवधि क्या है। पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों 1850 ईस्वी से 1900 तक, दूसरा विकल्प है 1919 ईस्वी से 1938 तक, तीसरा विकल्प है 1900 ईस्वी से 1920 तक, चौथा है विकल्प 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। तो आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? 1843 ईस्वी से वर्तमान तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 7 है, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो घनानंद और बोधा ठाकुर, ये दो विकल्प हैं। अगला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प का और खा दोनों, चौथा है विकल्प सारंगधर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न में पूछा गया है कि रीति मुक्त काव्य धारा के दो प्रमुख कवि कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक तो है घनानंद जी, एक हैं घनानंद जी और दूसरे हैं बोधा ठाकुर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोधा ठाकुर, ये दोनों ही कवि क्या हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। विकल्प हो जाएगा यहां पर सही कौन सा, विकल्प का और खा दोनों। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? पहला है विकल्प सामाजिक असमानता, दूसरा विकल्प छंद योजना में नवीनता, तीसरा विकल्प अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, चौथा विकल्प है बौद्धिकता की प्रधानता। तो नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बौद्धिकता की प्रधानता। प्रश्न संख्या 9 है, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? पहला है विकल्प यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी, दूसरा विकल्प है मुक्तिबोध, तीसरा विकल्प है अज्ञेय जी, चौथा है विकल्प धर्मवीर भारती जी। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है अज्ञेय जी से संबंधित, प्रश्न क्या है, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है, तार सप्तक का संपादन, तार सप्तक का संपादन किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय जी ने किया। मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने तार सप्तक का संपादन कब किया, प्रश्न एक और बन जाता है, तो उत्तर हो जाएगा सन 1943 ईस्वी में। तार सप्तक के संपादक कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे, और इन्होंने सन 1943 में तार सप्तक का संपादन किया था। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जरूर लिख लेना इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 है, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? क्या आदिकाल के अंतर्गत आता है, या रीतिकाल के,
या आधुनिक काल के या फिर भक्ति काल के। तो भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल के अंतर्गत। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कौ को बहु पद बाहु। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? क्या वीर रस है, हास्य रस है, विभत्स रस है या करुण रस है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। आप लोग ध्यान देंगे, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। यदि पूछ लिया जाता है हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। प्रश्न कहीं से भी आए, आपका उत्तर गलत ना होने पाए, ये हमारा उद्देश्य है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो रस है, कौन सा रस है? हास्य रस है। क्योंकि नाना वाहन नाना देशा विहसे शिव समाज, विहसे अर्थात हंसे, जहाँ पर हंसने की बात आती है वहाँ पर हास्य रस होता है। प्रश्न संख्या 12 है। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा विकल्प है रूपक अलंकार, तीसरा है विकल्प उपमा अलंकार, चौथा विकल्प है भ्रांतिमान अलंकार। तो यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, किसके समान बिखर गई? विजय माला के समान बिखर गई। कौन? रानी लक्ष्मी बाई के बारे में कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको बताया था उपमा अलंकार के बारे में, तो मैंने आपको बताया था जहां पर किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ या व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या की जाए, समान गुणधर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है, वहां पर होता है कौन सा अलंकार मेरे प्यारे बच्चों? उपमा अलंकार। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? पहला है विकल्प दोहा, दूसरा विकल्प है सोल्ठा, तीसरा विकल्प है रोला, चौथा विकल्प है कुंडलिया। तो इन पंक्तियों में यहां पर छंद कौन सा है? रोला छंद है। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों। निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? क्या सुमार्ग शब्द में प्रयोग हुआ है इसका, या निवास में, या निर्वाह में, या निवेश में? तो निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किस शब्द में? निर्वाह शब्द में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 है। भीमार्जुन में कौन सा समास है? विकल्प पहला है द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है बहुव्रीहि समास, चौथा विकल्प है कर्मधारय समास। तो मैंने आपको बताया था कि जिस समास का पहला पद, आप लोग ध्यान देंगे, जिस समास का पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों की क्या हो? प्रधानता हो। पहले पद की भी और दूसरे पद की भी क्या हो? प्रधानता हो। यहां पर पहला पद क्या है भीमार्जुन में? पहला पद है भीम, और दूसरा पद क्या है? अर्जुन। दूसरा पद क्या है? अर्जुन। तो जब आप इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो भीम और अर्जुन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भीम की भी प्रधानता है, पहले पद की भी, और दूसरा पद जो कि अर्जुन है, इनकी भी प्रधानता है। इसलिए यहाँ पर समास कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। क्योंकि जहाँ पर पहला और दूसरा दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पदों की बराबर वैल्यू होती है, यानी भूमिका बराबर होती है, अहमियत बराबर होती है, वहां पर होता है
द्वंद्व समास। मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के जो उदाहरण आते हैं द्वंद्व समास के, कुछ इस तरह से लिखे होते हैं। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि इस तरीके से। अब यहां पर पहला पद क्या है? लाभ है। दूसरा पद क्या है? हानि है। अब दोनों पदों की प्रधानता है और इन दोनों के बीच में ये योजक चिन्ह लगा है, और जब इनका विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह के स्थान पर और आ जाएगा यहाँ पर, मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब समास होता है तो और का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यहाँ पर जब ये समास हुआ है तो और का लोप हो गया है, जब विग्रह होगा तो और क्या हो जाएगा? और आ जाएगा। तो यहाँ पर योजक चिन्ह वाले भी शब्द या उदाहरण आपको मिलते हैं, तो आप लोग विकल्प में कौन सा सही करेंगे? द्वंद्व समास ही सही कीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है, गर्गर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो गर्गर शब्द का तद्भव शब्द क्या गात होगा, गोरा होगा, या गोबर, या फिर गागर? तो गर्गर शब्द का तद्भव हो जाएगा गागर। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? पहला है विकल्प तेषाम, दूसरा विकल्प है तस्मै, और तीसरा है विकल्प तस्या, चौथा विकल्प है तत् या तद। तो तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा तस्मै। प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, वाक्य का सरल वाक्य में रूप क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूप क्या होगा? पहला विकल्प है, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। दूसरा विकल्प है, जो व्यक्ति सफल होता है वह अवश्य परिश्रमी होता है। तीसरा है विकल्प, व्यक्ति परिश्रमी होता है इसलिए सफल होता है। और चौथा है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। तो ये तीनों विकल्प गलत हैं। सरल रूप में है यहाँ पर, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। प्रश्न संख्या 19 है, आओ अब चलते हैं वाक्य का भाव वाच्य में रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है विकल्प है आओ चलें, दूसरा विकल्प है आओ अब चला जाए, तीसरा विकल्प है दोनों विकल्प सही हैं, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आओ अब चलते हैं का भाववाच्य हो जाएगा आओ अब चला जाए। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, घर के साथ ही एक बगीचा होता था, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बगीचा यहाँ पर होता था, ये है रेखांकित पद, अब इसका परिचय क्या होगा? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अपव्यय घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि घर के साथ ही एक बगीचा होता था, घर के साथ बगीचे का संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक अपव्यय दर्शा रहा है क्या? घर और बगीचे के बीच। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको किसमें भरना है? मैंने आपको बताया था OMR सीट में। यदि आप सही उत्तर भर देते हैं तो 20 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिए। पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। जय हिंद।